सोनाली फोगाट मर्डर केस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई की टीम हिसार पहुंची है। हिसार में सीबीआई की दस्तक। सीबीआई ने सोनाली के परिवार से वो गुमनाम चिट्ठी ली है जो इस वक्त चर्चाओं में है। केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची फार्म हाउस। करीब डेढ़ घंटे तक सोनाली फोगाट की मां और उनके भाइयों से पूछताछ की गई, मालूमात की गई। इस वक्त की एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, परिवार को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी जिसमें कई नेताओं पर आरोप लगाए गए थे और अब उस चिट्ठी को सोनाली के परिवार से सीबीआई ने ले लिया है। और अब हमारे साथ कुलदीप हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, उस चिट्ठी के बारे में जो सोनाली के परिवार से ली है, क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल नाजिर, जिस तरीके से गुमनाम चिट्ठी परिवार को करीब एक महीने पहले मिली थी और परिवार ने जो है उसे पुलिस को देने की कोशिश की थी, स्थानीय पुलिस ने गोवा पुलिस को देने की बात कही थी, जिसके बाद परिवार ने वो चिट्ठी गोवा पुलिस को दी थी, लेकिन गोवा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद गुरुवार को दूसरी चिट्ठी मिलती है जिसमें बीजेपी के जो है करीब चार नेताओं का नाम लिखा गया था। उनके बाद जो है पूरे प्रशासन में हड़कंप बन जाता है, पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप बन जाता है और सीबीआई जो है कल रात को हिसार पहुंची थी, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है। और कल से जो है इस चिट्ठी के मामले में पुलिस सीबीआई जांच कर रही थी। आज शाम करीब 5 बजे सीबीआई की टीम है सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची है और उनसे लगातार जो है उनके भाई के संपर्क में थी। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका, वतन ढाका और उनकी मां से जो है चिट्ठी के बारे में सीबीआई की तरफ से पूछताछ की गई है। चिट्ठी को लेकर जो है अभी तक सीबीआई टीम आसपास के क्षेत्र में भी जांच कर रही है कि कैसे इस चिट्ठी की सत्यता के बारे में पता लगाया जाए। जी नासिर, बिल्कुल। कि अभी ये भी जरूरी है जानना कि आखिर इस चिट्ठी को भेजने वाला कौन है, चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो सच है या नहीं। कुलदीप, बिल्कुल बिल्कुल, चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया गया है उनकी सत्यता की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि चिट्ठी भेजने वाले ने जो है अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की है। राम मेहर और जो है न्यू एनक्लेव टोहाना का चिट्ठी में पता दिखाया गया है और जैसा कि हमने खुद अपने तौर पर जो है पोस्ट विभाग से जो है पता किया, जिस तरीके से पोस्ट विभाग की साइट से जो जानकारी मिली है वो टोहाना से पोस्ट की गई है, लेकिन टोहाना से पहले वो चिट्ठी जो है कहीं ना कहीं और भी किसी गलत वे में घूमी है और उसके बाद वापस फिर टोहाना आई है और टोहाना से जो है उस चिट्ठी हिसार आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो चिट्ठी भेजने वाला व्यक्ति है उसने कहीं ना कहीं अपने पहचान छुपाने की कोशिश की है या फिर जो है पोस्ट विभाग में कहीं ना कहीं किसी कर्मचारी के जरिए उन्हें अपनी पहचान छिपाने के लिए उस चिट्ठी को जो है किसी अन्य तरीके से भेजा है। जी नासिर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम और जो चिट्ठी मिली थी उस चिट्ठी को सीबीआई की टीम ने सोनाली फोगाट के परिवार से ले लिया है। परिवार को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी और उस गुमनाम चिट्ठी में बहुत सी बातों का जिक्र था, कुछ नेताओं का जिक्र था, बहुत से आरोप लगाए गए थे और अब उस चिट्ठी की सत्यता की भी जांच की जाएगी। आज हिसार पहुंची सीबीआई की टीम, सोनाली फोगाट की मां और भाइयों से जानकारी हासिल की गई, पूछताछ की गई। परिवार को एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी और उसमें कई नेताओं पर आरोप लगाए गए थे।